संदीप, एक नाम जो क्रिकेटिंग टैलेंट और यूथफुल एग्जुबरेंस का सिनोनिम बन गया था, उसने पूरे देश के फैंस के दिलों को जीत लिया था। एक छोटे शहर के लड़के से इंटरनेशनल क्रिकेट आइकॉन तक का उसका सफर कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन था। उसका टैलेंट अनडिनायबल था। खेल के लिए एक नेचुरल फ्लेयर उसके हर स्ट्रोक में दिखाई देता था। संदीप का राइज टू प्रोमिनेंस बहुत तेज था। फील्ड पर उसका परफॉर्मेंस स्पेक्टेक्युलर से कम नहीं था, जिससे उसे फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों से एक्लेड्स और अप्रिशिएशन मिली। वो एक हाउसहोल्ड नेम बन गया। उसका चेहरा बिलबोर्ड्स पर छा गया और स्टेडियम्स में उसका नाम गूंजता रहा। फील्ड पर उसकी अचीवमेंट्स ऑफ फील्ड कैरिश्मा से भी मेल खाती थी, जिससे वो मीडिया का डार्लिंग और एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल बन गया। उसका सफर कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और उसके परिवार के अनवेवरिंग सपोर्ट का प्रमाण था। वो शीर ग्रिट और डिटर्मिनेशन से क्या हासिल किया जा सकता है, इसका शाइनिंग एग्जाम्पल था। हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले एस्पायरिंग एथलीट्स के लिए होप का बीकन। संदीप की कहानी ट्रायंफ की कहानी थी, ड्रीम्स की पावर और स्पोर्टिंग ग्लोरी के एल्यूर का प्रमाण। दुनिया ने अविश्वास में देखा जब संदीप पर लगे गंभीर आरोपों की खबर आई। एक युवती ने क्रिकेटर पर एक जघन्य अपराध बलात्कार का आरोप लगाते हुए सामने आई थी। आरोपों के डिटेल्स चौंकाने वाले थे, जो क्रिकेटिंग स्टार की सेलिब्रेटेड इमेज से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते थे। कथित घटना ने पूरे देश में शॉकवेव्स भेज दी। फैंस इस खबर से जूझ रहे थे, आरोपों को उस पर्सना के साथ रिकनसाइल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे जिसकी वे प्रशंसा करते थे। आरोप डिटेल्ड और डिस्टर्बिंग थे, जो अपने पीछे अनीज और डिसबिलीफ की भावना छोड़ गए। मामला जल्दी ही नेशनल सेंसेशन बन गया, हेडलाइंस पर छा गया और गर्मा गर्म डिबेट्स छिड़ गए। महिला के दावे स्पेसिफिक थे, जिसमें क्रिकेटर के साथ एक हैरोइंग एनकाउंटर का वर्णन किया गया था। आरोपों की ग्रेविटी और आरोपी के हाई प्रोफाइल ने यह सुनिश्चित किया कि केस इंटेंस स्क्रूटनी और पब्लिक स्पेकुलेशन के अधीन होगा। जनता की प्रतिक्रिया स्विफ्ट और एक्सप्लोसिव थी। संदीप के खिलाफ आरोपों ने इमोशंस का फायरस्टॉर्म इग्नाइट कर दिया, पब्लिक ओपिनियन को डिवाइड कर दिया। कई लोगों ने आरोपों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, अपने हीरो की इमेज से चिपके रहे, जबकि अन्य लोगों ने आउटरेज व्यक्त किया और एलिजेड विक्टिम के लिए जस्टिस की मांग की। मीडिया ओवरड्राइव में चला गया, केस के हर पहलू को डिसेक्ट करते हुए और पब्लिक सेंटिमेंट को एम्पलीफाई करते हुए। हर स्टेटमेंट, हर मूव, हर कोर्ट अपीयरेंस को मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट और एनालाइज किया गया। केस एक मीडिया सर्कस बन गया, जिसमें एक्सपर्ट्स और कॉमेंटेटर्स वे इन कर रहे थे, पब्लिक डिस्कोर्स को और फ्यूल कर रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपोजिंग व्यू पॉइंट्स के लिए बैटल ग्राउंड्स बन गए। क्रिकेटर के गिल्ट या इनोसेंस को लेकर पैशनेट आर्ग्यूमेंट्स छिड़ गए। केस खेल के दायरे से आगे निकल गया। पावर, प्रिविलेज और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में एक सोसाइटल डिबेट बन गया। आरोपों के बाद क्रिकेटिंग वर्ल्ड रील्ड। खेल में कई लोगों के लिए संदीप एक टीममेट, एक फ्रेंड, नेशनल प्राइड का प्रतीक था। उसके खिलाफ आरोपों ने क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में शॉक वेव्स भेज दी, कई लोगों को डिसबिलीफ और कंफ्यूजन से जूझते हुए छोड़ दिया। फेलो प्लेयर्स, कोचेस और एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद को कंट्रोवर्सी के क्रॉस हेयर्स में फंसा पाए। कुछ ने संदीप के लिए सपोर्ट व्यक्त किया, उसके कैरेक्टर के लिए वाउच करते हुए और उसके इनोसेंस में फेथ व्यक्त करते हुए। अन्य लोगों ने चुप रहना चुना, पब्लिक स्क्रूटनी और स्टैंड लेने के पोटेंशियल रिपरकशंस से सावधान। ऑफिशियल बॉडीज और स्पॉन्सर्स ने कॉशियस अप्रोच अपनाया, लीगल प्रोसेस के अनफोल्ड होने तक जजमेंट्स को सस्पेंड कर दिया। आरोपों ने खेल पर एक लंबी छाया डाली, उसकी इमेज को टार्निश करने और उसके हीरोज में रखे गए ट्रस्ट को अंडरमाइन करने की धमकी दी। केस लीगल सिस्टम के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा। दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने अपनी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट की। प्रोसिक्यूशन ने महिला के दावों का समर्थन करने वाले एविडेंस और टेस्टिमोनीज प्रेजेंट किए, जबकि डिफेंस ने आरोपों का वेहेमेंटली खंडन किया, इनकंसिस्टेंसीज को हाईलाइट किया और अक्यूजर द्वारा प्रस्तुत नैरेटिव को चुनौती दी। लीगल बैटल एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली चार्ज्ड अफेयर बन गया। दोनों पक्ष इवेंट्स के अपने वर्जन को प्रिवेल करने के लिए टूथ एंड नेल फाइट कर रहे थे। कोर्टरूम एक हाई स्टेक्स ड्रामा का स्टेज बन गया, जिसमें क्रिकेटर का फेट और एलिजेड विक्टिम का फ्यूचर बैलेंस में लटका हुआ था। बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के पास था, जिसे रीजनेबल डाउट से परे संदीप के गिल्ट को एस्टैब्लिश करने का काम सौंपा गया था। इस बीच डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन के केस में होल्स पोक करने पर ध्यान केंद्रित किया, अक्यूजर के मोटिव्स के बारे में क्वेश्चंस रेज किए और उसके दावों की वेरासिटी पर डाउट कास्ट किया। आरोपों, चाहे उनकी वेरासिटी कुछ भी हो, का संदीप के क्रिकेटिंग करियर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा।
वो स्पोर्ट जो उसके लाइफ का पैशन था, वो पेन और अनसर्टेनिटी का सोर्स बन गया। स्पॉन्सर्स ने खुद को डिस्टेंस कर लिया, एंडोर्समेंट्स गायब हो गए और नेशनल टीम में उसकी जगह होल्ड पर रख दी गई। वन सेलिब्रेटेड क्रिकेटर अब एक अनसर्टेन फ्यूचर का सामना कर रहा था। लीगल प्रोसीडिंग्स ने उसके करियर पर एक लंबी छाया डाली, जिसमें उसके लव्ड स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने की क्षमता केस के आउटकम पर टिकी हुई थी। आरोप चाहे ट्रू प्रूवन हो या नहीं, पहले ही सिग्निफिकेंट डैमेज कर चुके थे। उसके फ्यूचर के आसपास की अनसर्टेनिटी संदीप पर भारी पड़ी। जिस स्पोर्ट ने उसे फेम और फॉर्च्यून दिलाई थी, वो अब एंग्जायटी और स्ट्रेस का सोर्स था। आरोपों ने इफेक्टिवली उसके क्रिकेटिंग करियर को होल्ड पर रख दिया था, उसे लिम्बो की स्थिति में छोड़ दिया था। अगर संदीप को सभी चार्जेस से क्लियर भी कर दिया जाता है, तो भी आरोपों द्वारा डाली गई शैडो ऑफ डाउट बनी रहेगी। पब्लिक ओपिनियन का कोर्ट अक्सर लीगल सिस्टम से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है, और एक बार बनने वाले परसेप्शंस को बदलना मुश्किल हो सकता है। एक्यूजेशन का स्टेन भले ही अल्टीमेटली फॉल्स प्रूवन हो, संदीप की पब्लिक इमेज पर लास्टिंग रिपरकशंस डाल सकता है। विस्पर्स, स्पेक्यूलेशन, लिंगरिंग डाउट्स लाइकली परसिस्ट रहेंगे, जिससे उसके लिए अपनी फॉर्मर ग्लोरी को पूरी तरह से रिक्लेम करना मुश्किल हो जाएगा। केस रेपुटेशन की फ्रेजिलिटी और एक्यूजेशंस की एंड्यूरिंग पावर का स्टार्क रिमाइंडर के रूप में सर्व हुआ। अक्विटेड होने पर भी संदीप का अपने करियर के पिनकल पर वापस जर्नी आर्डुअस होगा, जो लिंगरिंग डाउट्स और पास्ट के विस्पर्स के खिलाफ कांस्टेंट बैटल से मार्क्ड होगा। केस ने सोशल स्टिग्मा और सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपी इंडिविजुअल्स द्वारा फेस्ड चैलेंजेस के बारे में कॉन्वर्सेशन स्पार्क की। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, लीगल सिस्टम का कॉर्नरस्टोन, पब्लिक ओपिनियन के सामने वेवर करता हुआ प्रतीत होता था, ऐसे केसेस की कम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करता हुआ। आरोपों पर जनता की प्रतिक्रिया ने सेक्सुअल असॉल्ट के आसपास डीपली इंग्रेन्ड बायसेस को रेखांकित किया। महिला के दावों को स्केप्टिसिज्म और स्क्रूटिनी के साथ मीट किया गया, जबकि संदीप के डिनायल्स को अक्सर अकाउंटेबिलिटी से इवेड करने के अटेम्प्ट्स के रूप में इंटरप्रेट किया गया। केस सोसाइटल बायसेस का स्टार्क रिमाइंडर के रूप में सर्व हुआ, जो अक्सर सेक्सुअल असॉल्ट के डिस्कशंस में परमिनेट होते हैं। इसने ऐसे डेलिकेट इश्यूज को एड्रेस करने में ग्रेटर सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता को हाईलाइट किया, ड्यू प्रोसेस और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के महत्व पर जोर दिया। संदीप स्कैंडल एक ऑनगोइंग सागा बना हुआ है, लीगल बैटल अभी भी अनफोल्ड हो रही है। केस का आउटकम सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालेगा, क्रिकेटर, एलिजेड विक्टिम और स्पोर्ट के फ्यूचर को शेप करेगा। केस एक कॉशनरी टेल के रूप में स्टैंड है, फेम की कम्प्लेक्सिटीज, रेप्यूटेशन की फ्रेजिलिटी और एक्यूजेशंस की एंड्यूरिंग पावर को हाईलाइट करता है। यह एक रिमाइंडर के रूप में सर्व करता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में भी, जहां हीरोज को अक्सर पेडेस्टल्स पर रखा जाता है, एडुलेशन और कंडेमनेशन के बीच की लाइन पेरिलसली थिन हो सकती है। जैसे जैसे केस प्रोग्रेस होता है, दुनिया बेटेड ब्रेथ के साथ देखती है, वर्डिक्ट का इंतजार करती है, जो वंस सेलिब्रेटेड क्रिकेटर के फेट को डिटरमिन करेगा और इस कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रोवर्शियल केस के आसपास के नैरेटिव को शेप करेगा।